हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और यार आज की वीडियो में जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, हमारे पास है टोयोटा लैंड क्रूजर V8 जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाई थी। जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी तो आई कार्ड में आपको मिल जाएगी, वो देख लेना जाकर, जिसमें मैंने अपनी न्यू कार बाई की। और उसके अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये गाड़ी मैंने बाई की है और इसको मैंने मॉडिफाई होने के लिए दिया था। गाड़ी मैंने पहले ही बाई कर ली थी तो मैंने आप लोगों को कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को ये दिखाऊंगा। तो देख सकते हो यार आज हमारे पास है ये। और खैर अभी मॉडिफिकेशन वगैरह दिखाता हूँ मैं आप लोग को, आगे चल के सारी बताता जाऊँगा। और आज की इस वीडियो में हम करने लगे हैं इसकी ऑफ रोडिंग, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओह माय गॉड, ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी का काफ़ी अच्छा है जहाँ तक मैंने टेस्ट किया, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। वो अब हर किसी की अपनी चॉइस होती है, वैसे जितना मैंने टेस्ट किया मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और ऊपर से इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ ठीक है, देख सकते हो इंडिकेटर्स वर्क कर रहे हैं। और रास्ते में अगर नाइट होगी तो हम नाइट मोड में भी आप लोग देख पाओगे। खैर गाड़ी का इंटीरियर भी आप लोग दिखा देता हूँ। स्पीडोमीटर वर्क करता है बिल्कुल सही तरीके से। ओके, तो देख सकते हो यार गाड़ी की ड्राइविंग मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। वो अगर आप लोग इसको ड्राइव करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। फिर गेम के अंदर तो गाड़ी इस कार इस मोड की जो ड्राइविंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी स्मूथ है। और अब देखना ये है कि ऑफ रोडिंग पर ये गाड़ी कैसी रहती है, कैसी परफॉर्मेंस में देती है। अभी तक तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप लोगों को मैंने कल की वीडियो में बताया था कि इसको मैंने मॉडिफाई करवाया। बाकी यार आप लोग देख सकते हो, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को ये गाड़ी किस तरह की लगी। और ऑफ रोडिंग में भी यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है अभी तक तो, लेकिन अगर जब दूसरी जगह आएगी तब पता चलेगा सही वाला, क्योंकि अभी तक तो 100+ स्पीड आ रही है ऑफ रोडिंग में भी। और अब जाना है हमें इधर हिरन जरूर आगे सामने, वो देख सकते हो ये ज़रूर होती है इधर। और अभी उधर से बाकी गाड़ी के सामने आएगी तो इसलिए हम सही तरह चलाएंगे आराम से। देखिए यहाँ पर आ जाती है यहाँ पर। और आप लोगों ने पहले की वीडियोस में देखा होगा कि काफ़ी बार नीचे भी आ गए गाड़ी के, लेकिन हम फिर भी इनकी हेल्प कर देते हैं। हम इधर जो एनिमल्स डॉक्टर हैं उनको बुला कर तो इनकी हेल्प कर देते होते हैं हम जितनी हो सकती है। पहले तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इसके इंडिकेटर्स कार के, ये देख सकते हो वर्क कर रहे हैं बिल्कुल यार एक्यूरेट वर्क कर रहे हैं। यहाँ तक कि साइड मिरर के ऊपर जो है इसका इंडिकेटर वो भी वर्क कर रहा है काफ़ी सही तरीके से। और लाइट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं गाड़ी की, अगर वो मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये देख सकते हो। अभी आगे नाइट मोड में भी मैं ड्राइव करूँगा तब आप लोगों को शायद ज़्यादा अच्छे लगे। यार मैंने ब्रेक तो वैसे पूरी मारी थी, वो खुद आगे लगी है। इसके अंदर हमारा कोई कसूर नहीं है, शुक्र है वो बच गई है। और चलो जी अब करते हैं, यहाँ से हमने जाना है नीचे। और ज़्यादातर आप लोगों को पता है कि मैं इस जगह पर सिनेमैटिक्स जो है वो रखता हूँ ज़्यादा, सिनेमैटिक कैमरा हम इधर यूज़ करते हैं ज़्यादा सिर्फ इस जगह पर।
और यार इस डी का प्रोसेस में सिनेमैटिक्स काफी ज्यादा अच्छे आते हैं जिसकी वजह से मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर। ओके तो अब आगे वैसे ही हम ड्राइव करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। ओह माय गॉड शिट। और अब हमें पता चलेगा कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है ऑफ रोडिंग में, क्योंकि पहले तो जैसे रास्ता था वहां पर तो मेहरान भी हो तो वो भी आराम सुकून से कर जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा जब होंडा सिविक इसको पार नहीं कर पाई थी जबकि टोयोटा क्रोला ने कर लिया था। होंडा सिविक की हमने ऑफ रोडिंग की थी जो कि वो यहाँ से नहीं गुजर पाई थी, वो तो सिर्फ पीछे वाले से नहीं गुजर पाई थी। ये तो फिर दूसरी मुश्किल जगह काफी, क्योंकि टोयोटा क्रोला जो है वो तो बहुत वो मुश्किल हुई थी थोड़ी देख पर वो गुजर गई थी, और इस गाड़ी पर तो यार मुश्किल भी नहीं हो रही मुझे अभी तक, तो काफी स्मूथ ड्राइविंग है इस गाड़ी की और काफी पावरफुल कार है। पता ही नहीं चल रहा है, मतलब अगर मैं बिल्कुल रेस छोड़ भी देता हूँ और उसके बाद रेस देता हूँ फिर भी गाड़ी आराम से ऊपर चढ़ जाती है। गाड़ी की ग्रिप काफी ज्यादा अच्छी है और पिक काफी ज्यादा अच्छी है। और यार अगर आप लोग ये मॉड अपनी गेम में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दें, मैं वहाँ पर कमेंट को पिन कर दूंगा इसका लिंक जो है। तो वहाँ से आप लोग भी इसको इंस्टॉल कर पाओगे इजीली, और बस ये एक रिप्लेस मॉडल है तो आप लोगों को और भी काफ़ी कम मुश्किल होगी। तो जी हाँ गाइस, अभी मैंने कर दिया नाइट और इंडिकेटर्स में अब आप लोगों को दिखाता हूँ काफ़ी क्लियर। ये देख सकते हो इंडिकेटर्स यार काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, पीछे से भी आप लोग देख पा रहे हैं लाइट्स गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और अंदर भी आप लोग देख सकते हो। ओके तो यहाँ से मुझे ज़रा इस साइड से जाना पड़ेगा। ओके तो कोई मुश्किल नहीं हुई हमें। और यार जैसे कि मैं कह रहा था कि आप लोगों को मैं मॉडिफिकेशन इसकी बताता जाऊँगा रास्ते में, ये देख सकते हो ये इसके इंटीरियर के अंदर आप लोग देख सकते हैं ज़रा ग्रीन सा जो है पैरेट से कलर का हमने ये इसके ऊपर किया है, बीच में इंटीरियर के अंदर कलर यूज़ किया पैरेट। ओके ओह माय गॉड गाइस, मेरी गलती की वजह से गाड़ी नीचे जा रही है, और अगर नीचे चली गई तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, कोई तरीका सोचना पड़ेगा। इस तरह सीधी तो पीछे जा नहीं रही। और ओह माय गॉड गाइस, गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, देख सकते हो यार इस जगह पर से भी गुजर गई है, और लाइट्स आप लोग देख सकते हो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और मैं मॉडिफिकेशन बता रहा था तो मॉडिफिकेशन ये हैं कि इसका पिछला जो बम्पर है वो थोड़ा बड़ा करवाया है, फ्रंट बम्पर जो है वो थोड़ा बड़ा करवाया है, और लाइट्स इसकी जो है उसके अंदर थोड़ा सा हमने करवाया है चेंजिंग। उसके बाद इसकी ब्रेकिंग जो थी जब मैंने खरीदी थी ये गाड़ी तो इसकी ब्रेकिंग कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, तो ब्रेकिंग इसकी हमने सही करवाई है। मतलब वैसे तो ठीक होती है पर जिस भाई के पास पहले थी उसने काम कभी नहीं करवाया था, मतलब बहुत कम काम ही करवाता था, जिसकी वजह से इसकी ब्रेकिंग कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। और वैसे यार गाड़ी के अंदर पावर काफ़ी ज़्यादा है, आप लोगों ने देखा कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं हुई हमें यहाँ तक आने में, जबकि काफ़ी रास्ता है काफ़ी ख़राब रास्ता था और काफ़ी ऊंचाइयों वाली जगह थी, पर गाड़ी के अंदर कोई मसला नहीं आया। और यहाँ तक कि गाड़ी रिवर्स पर भी गाड़ी ने काफ़ी ज़्यादा पावर दिखाई है और इसकी वजह से हम बच गए हैं, वरना भी गाड़ी नीचे जानी थी और फिर काफ़ी बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन गाड़ी के अंदर पावर काफ़ी ज़्यादा है। ओके तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं जहाँ तक हम ऑफ रोडिंग करते हैं पहले, वहाँ पर फाइनली हम पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग कोई मुश्किल नहीं हुई मुझे, ये गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट लगी है, और आगे मुझे कभी कोई काम होगा तो ऑफ रोडिंग के लिए मैं इसी गाड़ी का इस्तेमाल करूँगा। खैर जो मैं ग्रीन की बात कर रहा था पैलेट कलर की वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, अब तक कैमरा खोल के तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये लोग देख सकते हो स्टेयरिंग के ऊपर भी किया हुआ,
फोकस नहीं कर रहा इसके। हाँ ये देख सकते हो गाइस आप लोग, और उसके अलावा गियर के ऊपर भी और ये सारा पैरेट कलर किया हुआ है हमने, लाइन्स लगवाई हुई है एक पैरेट कलर की जो कि डोर्स पर भी है, और ये सारा रखा हुआ हमने। ये काफी सही लग रही थी, काफी सही लग रही थी जिसकी वजह से मैंने ये किया। खैर यार आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये मेरी गाड़ी कैसी लगी, सही मॉडिफाई हुई है। तो चलिए यार बस फिर आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।